धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खलगाट तरफ से एक सफेद पिकअप वाहन में अवैध शराब भरकर बिक्री हेतु आ रही है। सूचना पर धामनोद थाने से ASI विजय द्विवेदी, आरक्षक धर्मेंद्र यादव व उनकी टीम रवाना हुई, जिसके बाद टोल प्लाजा पर एक सफेद रंग की महिंद्रा पिकअप आती दिखी, जिसे घेराबंदी कर रोका गया, जिसमें चेक करते हुए शराब भरी हुई पाई गई। बाद में आरोपियों से शराब के बारे में पूछने पर परमिट नहीं होना बताया गया। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान वाहन में कुल 540 बल्क लीटर कीमत 2,50,000 की और लाल देसी मसाला शराब कुल 90 पेटी, जिसमें कुल 810 बल्क लीटर कीमत 4,95,000 रुपए की पाई गई। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। अवैध परिवहन शराब पकड़ी गई है, तो क्या आपको पूरा मामला है? रात को जो गश्त अधिकारी हैं SI मिश्रा जी, उनको सूचना मिली थी कि इधर खलगाड़ तरफ से अवैध शराब के कब वाहन में भर के आ रही है, जिसमें उनके द्वारा टोल टैक्स के पास में गाड़ी को रोक के चेक किया गया, तो उसमें करीब 170 पेटी अवैध शराब मिली, जिसको जब्त किया गया और उसमें जो दो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। शराब की कीमत करीब 8,83,000 है और पिकअप वाहन की कीमत अलग है। सर, आरोपी कहाँ के हैं, कुछ पता लगे? एक आरोपी थाना अमजेरा क्षेत्र का है, एक राजौत थाना क्षेत्र का है, बाकी की आगे की जांच की जा रही है। आपका नाम? राजकुमार यादव, थाना प्रभारी धामनोद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।